हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिजू और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी टू ब्यूटीफुल बन हेयर स्टाइल फॉर करवा चौथ। बहुत ही इजी है। पहली हेयर स्टाइल के लिए मैंने की है अपने बालों को साइड पार्ट। उसके बाद आपको चाहिए होगी एक डोनट, नो जस्ट वेयर योर डोनट। उसके बाद अपने बालों को चारों ओर ऐसे फैला लेनी होगी डोनट के, देन इसको ऊपर की ओर मैं मोड़ रही हूँ, यानी कि ऊपर की ओर मैं फॉल कर रही हूँ। आपको भी ऐसे ही करनी होगी। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ एक साइड बन, तो ये बहुत ही प्रीटी एंड मेसी साइड बन बनेगा आपका। इट्स गोना टेक जस्ट अ मिनट एंड बहुत ही ईजी है। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। तो गाइस, ये ऑलमोस्ट बन चुकी है एंड यहाँ पे मैंने कोई हेयर पिन यानी बॉबी पिन यूज़ नहीं की है। यू जस्ट नीड अ डोनट टू मेक योर बन। जितने भी बाल बाहर निकले हुए हैं इसको बस टक इट इनसाइड योर डोनट। बहुत ही ईजी है। तो मैंने फर्स्ट हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट क्रिएट कर ली है। तो गाइज, दिस इज़ माई फर्स्ट लुक एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू माई सेकेंड बन। तो उसके लिए भी आपको चाहिए होगी एक डोनट। तो अभी मैं डोनट को अपने बालों में जस्ट पहन लूँगी। उसके बाद डोनट के चारों ओर अपने बालों को फैला लूँगी ताकि डोनट ना दिखे। तो गाइज, मैं यहाँ पर कोई हेयर पिन यूज़ नहीं करूँगी, लाइक बॉबी पिन, जुरा पिन, कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी। बस यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी और एक इलास्टिक एंड रबर बैंड। तो इसको मैं अच्छे से अपने बन को सिक्योर कर लूँगी रबर बैंड के हेल्प से। देन जितने भी बचे हुए बाल हैं उसको बस अपने डोन के चारों ओर आपको ऐसे रैप कर लेनी होगी, जस्ट रैप इट अराउंड योर बन। उसके बाद इसको टक इट इनसाइड द डोनट, यानी कि डोनट के अंदर इसको अच्छे से टक कर लेनी है ताकि ये बाहर ना निकले। तो आगे में मैंने थोड़ी सी बाल छोड़ी थी, ये टोटली ऑप्शनल है। तो इसको से मैं बनाऊंगी एक स्मॉल ब्रेड, यानी कि 3 स्ट्रैंड रेगुलर ब्रेड। इसको बनाने के बाद इसको भी मैं अच्छे से ताक कर लूँगी अपने डोनट के अंदर। नाउ द लास्ट स्टेप, ये भी टोटली ऑप्शनल है, यू कैन डेकोरेट योर बन। तो मैंने की है। तो गाइज, दिस इज़ माई फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक फॉर दिस वीडियो। अगर नहीं हो तो क्या कर रही हो यार, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। So guys, see you soon on my next video. Till then, bye bye, take care.